अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब बनाना शुरू कर रही हूँ, बड़े बनाना शुरू कर रही हूँ। दही है, मैं एक लगन में दही डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं, ये मिर्ची का, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, इसमें थोड़ी सी खोटी मिर्च डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। पानी एक आधी गिलास डाली हूँ मैं। अब मैं इसके भजिए कैसे बनते हैं बताऊँगी। अपने हिसाब से आप बेसन लीजिए कितना चाहिए। अब मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। ये बेसन है, ये अदरक लहसुन पेस्ट है। थोड़ी सी हल्दी डाली हूँ मैं, थोड़ा सा नमक डाली हूँ। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाली हूँ। माशाल्लाह आप लोग देख सकते। थोड़ा सा मैं खाते से सोडा डाली हूँ मैं। लाल मिर्ची पाउडर डाली हूँ। इसका पेस्ट बनाई हूँ, ज़्यादा पतला नहीं, ज़्यादा घट नहीं बनाना, अपने हिसाब से बनाना है। अब यहाँ पर मेरा तेल गर्म हो गया है, मैं इसमें गुलगुले डाल रही हूँ। अच्छा सा फ्राई करना है, ब्राउन कलर करना है। ठंडे पानी में ये गुलगुले डाल दो तलते की। आप लोग देख सकते हैं, इसका पानी में निचड़ रही हूँ। हाथ से प्रेस करके दही में डाल रही हूँ गुलगुले। आप लोग देख सकते हैं कुछ। अब मैं ये दही बड़ों का बघार कर रही हूँ। करिया पाक है, 2-3 हरी मिर्ची है, जीरा है, राई है। बघार ब्राउन कलर होते की थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ मैं इसको फ्राई करने के लिए। ठंडक के लिए रख देती हूँ मैं, दही बड़ों में डाल दी हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।